हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीस किचन। आज हम बनाएंगे पैनकेक की रेसिपी, जो न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि इसको बनाना भी बहुत आसान है। पैनकेक अमेरिकन ब्रेकफास्ट रेसिपी है। आप इस रेसिपी को अपने बच्चों के टिफिन के लिए भी बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं आज की रेसिपी। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पैनकेक बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पका हुआ केला लेंगे और उसे अच्छे से मैश कर लेंगे। केले को कोशिश करिए कि जितना वो हो सके अच्छे से मैश हो जाए। इसके बाद इसमें हम एक अंडा डालेंगे और उसे अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/3 कप पिसी हुई चीनी और फिर इसको भी हम अच्छे से अंडे और केले के साथ मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम 2 चम्मच तेल के डालेंगे, साथ ही इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच वनीला एसेंस और इसे भी सबके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो गए। इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 1 कप मैदा, साथ ही 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे इसमें और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका हम एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपका मिक्सचर गाढ़ा हो गया है तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध मिक्स करिए। दूध जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो ये हमारा पैनकेक का बैटर रेडी है। इसके बाद हम एक पैन लेंगे और उसे ग्रीस करेंगे तेल से। पैन को ग्रीस करने के बाद फिर हम इसमें 1 बड़ा चम्मच जो हमने बैटर प्रिपेयर किया था उसको डाल देंगे और हल्का सा स्प्रेड करेंगे। हमें फ्लेम को लो रखना है ताकि जो हमारा पैनकेक है वो नीचे से जले ना और अच्छे से कुक हो जाए। अगर हम हाई फ्लेम कर देंगे तो हमारा जो पैनकेक है वो जल जाएगा और अंदर से अच्छे से कुक भी नहीं होगा। तो हमें पैनकेक को लो फ्लेम पे कुक करना है। जब एक तरफ से वो कुक हो जाएगा तो हमें उसे फ्लिप करके दूसरी तरफ से भी पकाना है। तो दोनों तरफ से हम पैनकेक को अच्छे से पका लेंगे। अगर आपको कोई डाउट है कि हमारा पैनकेक कच्चा तो नहीं रह गया, तो जैसे हम केक को चेक करते हैं वैसे ही आप एक नाइफ की हेल्प से उस पैनकेक में इंसर्ट करके चेक कर सकते हैं कि हमारा जो पैनकेक है वो अच्छे से कुक हो गया है नहीं। अगर वो स्टिक हो रहा है उसका बैटर नाइफ को, दैट मीन्स अभी उसको थोड़ा सा कुक और करना है, अदरवाइज हमारा जो पैनकेक है वो अच्छे से रेडी हो गया। तो ये देखिए हमारा पैनकेक जो है बनके तैयार है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। एंजॉय करिए डिलीशियस पैनकेक को चॉकलेट एंड मैपल सिरप के साथ। अगर आपके पास मैपल सिरप नहीं है तो आप इसे हनी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने यह चॉकलेट भी पैनकेक पे स्प्रेड किया है, अगर आप चॉकलेट भी स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी पैनकेक की रेसिपी। आपने देखा कि इसको बनाना कितना आसान है और बहुत ही कम समय में एक हेल्दी एंड डिलीशियस रेसिपी बनके तैयार हो गई है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें एंड शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।